भाई साहब, आप आराम फरमा रहे हैं। तब भूल गए हमारे घर का कि हमें कहाँ से जाना है, और मैंने अभी GPS चालू करा है, और सब कुछ इस आदमी की वजह से है। हेलो गाइस, आज है गणेश चतुर्थी का दिन, तो उसी की साफ़ सफाई हो रही है और मैंने वैक्यूम क्लीनिंग भी कर दी है। तो अभी मैं इसका इनिशियल सेटअप करने जा रहा हूँ, और जब हम लोग मूर्ति लेके आ जाएंगे तो आधा जो सेटअप है वो उसके बाद किया जाएगा। ये देखिए, अभी जो हमारा इनिशियल सेटअप है वो इतना है, तो जब हम मूर्ति लेके आएंगे तो इसमें कुछ और ऐड करेंगे। तो चलिए चलते हैं मूर्ति लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, साफ़ सफाई हो गई है और हम लोग हो गए रेडी, और इसकी भी तबीयत ठीक हो गई, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अभी हम लोग बैंक जाएंगे, एक थोड़ा सा काम है, और उसके बाद हम गणेश जी लेने जाएंगे, उसके बाद आपको मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं। बाय गूगल, बाय। चल रहा है मेरा मास्क जेब में है। सो गाइस, टू मच भीड़ यहाँ पे। यहाँ का लोकल मार्केट है और यहाँ पे मंडी लगती है, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हो। अपनी भी साइड इधर आओ। बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति है यहाँ पे। हम लेंगे कौन सी? मिट्टी वाली लेंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक वाली, ये पॉलिस्टर वाली गलती नहीं है ना। हाँ, और हमें घर पे विसर्जन करना है। पिछली बार की तरह घर पे करेंगे। हाँ, बाल्टी यो, वही मिट्टी अपन गमले में। ये सारे इको फ्रेंडली गणेश जी। हाँ, नहीं, ये बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। सो वी आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि ये ले या ये ले, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। स्टार गणेश जी, और इन्होंने मेरा मास्क लगाया हुआ है यार, और बहुत ब्यूटीफुल वाले हमने लिए हैं, और इको फ्रेंडली हमने लिया है। ये शॉप है, मैं आपको शॉप दिखा देती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है, इको फ्रेंडली गणेश जी है ना। दिया है गोबर, कैसा लग रहा है? हैप्पी बर्थडे हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया यहाँ पे इनका। अरे यार, गाय निकला क्या? नहीं निकला यार। तो तुमने देखे ही नहीं थे, पैर रख दिए। मैं मेडिकल देखा था। ये जा रही है माताएं बहने जिनने करा है। लेडीज वाला मास्क पकड़ो। ये आज का सब चलता है, सब यूनिसेक्स है। तुम्हें पता है? नहीं। तो फिर पहले कभी आया था एक बार, मैं पिछले साल तो मैं इधर से आया था, तो मैं जाना भूल गया, तब मैं इधर से जाना सोच रहा हूँ। वाह, वेरी नाइस। वैसे अपन लेट हो रहे, और अभी अपने पास टाइम है कि अपन नई नई रोड्स एक्सप्लोर करें। हाँ, मार्केट देखना चाहिए ना, लोगों ने बनाया। अरे इधर ऑनडोर भी है। हाँ, सही है यार। मेकओवर स्टूडियो, पता नहीं क्या है वो, काय का मेकओवर, मेकअप। मुझे तो एरिया ही समझ नहीं आ रहा कौन सा एरिया है। पूजा का सामान भी लेना है। तब भूल गए हमारे घर का कि हमें कहाँ से जाना है, और मैंने अभी GPS चालू करा है, और सब कुछ इस आदमी की वजह से है, इस आदमी ने। आगे बस रास्ता बनना। हाँ, कोई नई एक्सप्लोर करने के लिए हमें दूसरी गलियों में घुसा दिए, और अभी हम बैठ के इधर आ नहीं पाते। हाँ वाह, तो कोई भी इलाके में घुस जाओ, है ना, यहाँ पे ढूंढो। अभी मैं GPS चालू करके देख रही हूँ कि घर कहाँ से आएगा हमारा। इधर तो बंद हो गया रोड क्या? वाह वाह, देखिए दोस्तों, ऐसी जगह हम घुस गए जहाँ पे रोड ही खत्म है। उधर आगे रोड मिलेगी? अरे यार, मन डालो, यहाँ पे नहीं पता ही कहाँ जाएगा। आगे रोड नहीं बंद है। बस तुम्हें जरा सा वहाँ पे यू टर्न लेना था, तुमने बिना यू टर्न के चक्कर में यहाँ पे घुसा दी। कहाँ कहाँ कार वाला जा रहा है, तो निकलेगी आगे। अरे यार, पता कौन सी जगह है, सिर्फ वहाँ से यू टर्न ले लेते तो अपन पहुँच जाते ना घर। हाँ, नहीं पर हाँ, ये तो गांव लग रहा है। वाह, ये गांव एक्सप्लोर किया अपन। गांव ही आ गया, अब कहाँ जाएंगे, राइट जाए कि लेफ्ट जाए? लेफ्ट जाते ना, वो कार वाले उधर ही जाते। तो कार वाले का क्या पीछा करना है अपन को? अरे यार दोस्तों, तुम्हें अभी एडवेंचर सूझ रहा था,
और घर पे वो अमेजन पार्सल वाला खड़ा है जिसमें गूगल का पिंजरा आया हुआ है। और अभी ही करना था ऐसा। कहां ऐसा लग रहा है ना कि कहीं कुछ तो एक्सप्लोर कर ही लेंगे। ओह माय गॉड वाओ रोड देखा। रोड जाम ही लग गया। ये कॉर्नर का फ्लैट खा लिया। ठीक है एक वाला फ्लैट भी खा लिया कॉर्नर का। तो इधर मैं ले लूंगी उधर तुम ले लेना। और ये भी तो है। और इधर मम्मी ले लेगी। इधर गूगल का गूगल का रूम है देखो। इधर मैं ले लूंगी ना तुम ले लेना। ये किसी का होगा। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा है ना कुछ लिखा है ना चिपका हुआ है। नहीं चिपकली चूहों का सैनिटाइजेशन करवाई थी। चिपकली चूहों का सैनिटाइजेशन कैसे होगा। अबे अरे भैया रुक जाओ हॉर्न दो ना जान दो जान दो जान दो। मैं जैसे तैसे अपने घर का रास्ता ढूंढा है आधे घंटे भटकने के बाद इस लड़के की वजह से। देखिए फ्रेंड्स हमने एकदम नया रास्ता ढूंढा है। फ्रूट्स कहाँ से लेंगे। पूजा का सामान देना भैया। ये लाल कपड़ा दे दो और बाकी चीजें। अरे यार छोटा वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने सारा सामान ले लिया है और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सारा सामान एक जगह पे नहीं मिलता है कहीं अलग दुकान पे जाना पड़ता है पूजा के सामान के लिए मिठाई के लिए अलग जगह पे। और यहाँ पे बारिश के मौसम की जगह अब धूप हो रही है जैसे देख सकते हैं और मैं पसीना पसीना हो गया हूँ। तब मिलते हैं घर पे तब तक लिए बाय। कुछ ऐसा व्यू आ रहा है यहाँ पे हमारे गणेश जी बैठेंगे। और मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो अपने पास दो रखे हुए हैं ना ऐसे माला हाँ। एक को यहीं पे ऐसा लंबा कर देते हैं और एक को इसमें लगा देते हैं। हाँ ये अपने पास रखी हुई ना कि ये और एक दरवाजे पे भी है। इधर वाला तो लगा दो लगा के देखो हाँ? दो लगा के देखो दो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। व्हाइट इस पे जा नहीं रहा था तो अब इस पे हम ये हमारा ब्लू वाला लगाते हैं। व्हाइट है ये। गाइस तबीयत खराब होने के उपलक्ष्य में मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसे अपन वो कैंडल भी लाइट कर देंगे। हाँ उसके अंदर लगी हुई है ना। गणेश जी और यहाँ पे ही इज चिलिंग आउट हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं। मैं खुद का ही व्लॉग देख रहा हूँ। बताओ ये ऐसे लोग हैं जो अपना खुद ही के व्यूज बढ़ाते हैं। यस तो खुद को भी देखना पड़ता है ना खुद का व्लॉग तभी तो। और गाइस ही मैं हूँ टेने नेने ने। क्या हो रहा है होगी पूजा। यस और ये बनाया है मैंने। बहुत मेहनत लगी फ्रेंड्स इसको बनाने में। कैसे जोड़ जोड़ के लेटर्स से बनाना पड़ता है। मेरी इंग्लिश वैसे कमज़ोर है फिर भी मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए। बाकी ये भी सेटअप लगाया है ये बनाया है ये लगाया है ये लगाया है और क्या चेंज किया और तो हाँ बस यही था। हाँ ये भी चेंज किया यहाँ पे येलो वाला लगा हुआ था और ये भी लगाया है यहाँ पे। और तुम्हारे बाल बहुत बहुत बधाई हो गणेश चतुर्थी की। तो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज हमारा बहुत ही ज़्यादा टायरिंग डे है क्योंकि आज गणेश जी की स्थापना करनी थी तो सुबह से ही साफ सफाई तैयारी वगैरह बहुत सारी चीज़ों में लगे हुए थे तो उसी में आधा दिन निकल गया। और हमें बैंक भी जाना था बैंक भी जाके आए उसके बाद हमें पूरी तैयारी की फिर हम वापस रेडी हुए और उसके बाद हमने आरती वगैरह सब कुछ कर लिया है। अब हम लोग बस डिनर करने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है अब तो। अब डिनर करने के बाद मिलते हैं। ये देखिए
ये है मेंटोस जिंदगी, इधर पूजा हो गई है और इधर एक पूजा सो गई है। ये देखिए, खाना वाना देने की तैयारी करो या सोने की तैयारी हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सोया जा रहा है और मुझे खाना नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप में से कोई चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर रहा है तो खाना भी पहुंचा दे। सो आई होप आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। और एक्चुअली हम लोग ये व्लॉग डालने में बहुत लेट हो गए बिकॉज़ कुछ रीज़न की वजह से हम इसे ऑन टाइम नहीं डाल पाए। रीज़न हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे और भी व्लॉग्स को देखते रहिए और हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।